हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी बज रहे हैं 5। हाय राम। डेली मतलब सारी मम्मीज की एक ही टेंशन है कि हम खाना क्या बनाएं। सुन तो गाइस, आज मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली मेरे को इंसोम्निया आया, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, मेरे को मन नहीं किया। अब इस लड़की को देखो, ये क्या कर रही है। किसमें आ जा तो बैक कैमरा। वेलकम टू माय ब्लॉग। तुम्हारा ब्लॉग, योर ब्लॉग। सगुन आया अम्मा? हाँ, क्या? अगर ये अम्मा भी पीछे आ रही होगी। अम्मा का किस चीज का सगुन आया? दिया इसने मुझे। देखती है मैं उसे। मैंने वो झाड़ू वहां फेंकी और ये तब भी नहीं हिली। बदतमीज, कहीं के दिमाग खिसका आ रही है मेरा। कुछ और ट्राई करती हूँ मैं, निकल लू धीरे धीरे। क्या फेंकू, कुछ है क्या डालू मैं इसके पास फेंकूंगी मैं इसे। मैं चलूंगी बेड पे। ses ver Adana zirveden selam dur perde ke andar dekho ise chapli kahin ki ye tumhare hibernation ka place thodi hai koi dhang ki jagah dhang na आज मेरे को थोड़ा सा क्राफ्ट वर्क करने का मन कर रहा था। तो देखो मैंने क्या बनाया, देखो कैसा बिखरा पड़ा है। अभी मेरे को सब साफ करना पड़ेगा। ही सुगी। सो गाइस, ये मैंने बनाया है बर्ड हाउस। ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट बना लिया है और ठीक लग रहा है। पर इसके नीचे भी ना मैंने ऐसे ही लगाया है, ये यहाँ से पूरा पेपर का है ना। सो आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। गाइज देखो मेरी एनजाइटी की हालत, मतलब इसमें लास्ट चैप्टर है नहीं है और तो और, अब ये वाला चैप्टर है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला भी फटने लग गया है। तो इसका आई के बाद ना पीछे का है नहीं पूरा। ये रहा मेरी ऐसी रखी, ये मैंने नहीं की एक्चुअली। मैं जहाँ से लाई थी ना, सेकेंड हैंड है ना, इसके कवर था नहीं। मैंने लिखा था कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और कितने दिन में किए हैं, ये सब मैंने लिखा हुआ है। क्रॉस मार्किंग वगैरह कर रखी है। तो वही ये फटी हुई दी थी मेरे को, पर इसमें लास्ट चैप्टर के 2-3 पेज निकले हुए थे, उसके पास से पूरा चैप्टर गायब हो गया। ये धीरे धीरे फट गई और इसके ऊपर मैंने चिपकाया था, एक कवर था लेकिन चल नहीं पाया। और अब ये दूसरा वाला चैप्टर हट रहा है। ये तो खैर हो जाता है, पर लास्ट वाला चैप्टर है मेरा प्रीवियस ईयर भी रह गया था इस बुक की वजह से। फ़ोन में मतलब मैंने एनसीईआरटी ऐसे पढ़ी नहीं थी, लेक्चर वगैरह ले लिया था बस। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर ना मेरे को बाय हार्ट याद है। मैंने ना बोन्स को जैसे कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजस, ये मैंने ना लिख लिख के याद किया था। तो ये 14 हो गए ना ऐसे करके।
तो ये मैंने ड्रॉ कर ली थी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जैसे डायग्राम्स दे रखा होता है हम गूगल से निकाल लेते हैं, वैसे करके मैंने लर्न की थी। और भी थे मैंने मसल्स मसल्स भी मैंने कुछ ऐसे करके याद की थी। खैर मसल्स का तो हमें यूज नहीं है इसमें कुछ, बट उसका तो है मेरे को सारी 206 बोन्स, मतलब रटी पड़ी है मेरे को याद। मतलब तो ये चैप्टर ना क्या बताऊँ, मेरी रग रग में बसा हुआ है। इसलिए पता क्या, हमको ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आता है ना, बात अगर कर लो ना मैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब बहुत कम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी पसंद आती है, मेरे को भी थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है। और अपनी मतलब अपनी बॉडी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, उसको पढ़ने में मजा आता है। और थोड़ी सी प्लांट फिजियोलॉजी बोल सकते हैं डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी बहुत बढ़िया लगती है।